फ्रॉम दी मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने हंड्रेड रेंडम सैम्पल जनरेट करने हैं एंड देन फाइंड दैम्पल मीन वैक्टर एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स क्योंकि हंड्रेड रेंडम सैम्पल्स जनरेट होंगे यूजिंग मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास हंड्रड सैंपल मीन वैक्टर एंड देन वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स जनरेट होगी यूजिंग द मीन ट करनी है अब आपके पास क्या है डायमेंशन टू डायमेंशन पी इक्वल्स टू 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 डायमेंशन हमारे पास है मीन हमारे पास टू एंड फाइव है एंड वेरियंस कोवेरियंस मेट्रिक रो वाइज हम एंटर करेंगे हमारे पास टोटल रोज कितनी आएंगी टू रोज आनी है ओके अब हम आर में जा रहे हैं दिस इज दर्ट स्टूडियो आर्ट स्टूडियो में फर्स्ट हमें क्या करना है इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी लाइब्रेरी एम वी टी नॉम एम स्टैंड फॉर मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टी वेरिएट नॉर्मल की लाइब्रेरी आपके पास कहां से इंस्टॉल होती है देयर इज द पैकेजेस पैकेजेस देन इंस्टॉल यहां पे आप इंस्टॉल करोगे एम वी टी एम वी टी नॉर्म मल्टी नॉर्मल दिस इज दल्टी मल्टीवेरिएट नॉर्मल देन आपने इंस्टॉल प्रेस करना मेरे पास यहाँ इंस्टॉल हुई भी है इसलिए मैं इसको प्रेस नहीं कर रही अदरवाइज आपने यहां से इंस्टॉल कर लेनी है ओके देन कमांड इज सेट डॉट सीड वन टू थ्री अब सेट डॉट सीड की कमांड हम यूज कर रहे हैं आगे वन टू थ्री ये फाइल नेम है फाइल नेम आप कोई भी आप रख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइल नेम कर लो सेट डॉट सीट बेसिकली क्या करेगा क्योंकि आपने हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट करने हैं हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट करेंगे तो हर दफ़ा हमारे रेंडम नंबर चेंज होंगे क्योंकि हम रेंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं सेट डॉट सीट की कमांड बेसिकली उसको फिक्स कर देगी कि जो आपने हंड्रेड रेंडम नंबर्स जनरेट किए हैं वो फिक्स हो जाएंगे उसी का मीन निकलेगा उसका वेनियस को वेनियस मेटर निकलेगा नेक्स्ट टाइम अगर आप अगेन हंड्रेड प्रेस करोगे तो वो वही रहेंगे उसी की मीन और वेरियस को वेरियस मेट्रिक्स आएगी अगर मैं यहाँ सेट डॉट सीट की कमांड यूज नहीं करती और रेंडम नंबर जनरेट कर रही हूँ तो एवरी टाइम्स आपके रेंडम नंबर चेंज आएंगे जाहिर है क्योंकि रेंडम है रेंडम आपके पास चेंज आ जाता है और अगर उसको फिक्स नहीं करेंगे तो फिक्स करने की कमांड है सेट डॉट सीट फिक्स नहीं करेंगे तो ये वेरी करेंगे रेंडम नंबर

अब हमने टोटल कितने करने थे सैंपल कितने जनरेट करने थे हंड्रेड सैंपल्स जनरेट करने थे सो एन इक्वल्स टू हंड्रेड विद मीन वैक्टर एंड फाइव यू नो दैट एग्जाम्पल हमारे पास क्या था मीन वैक्टर एंड फाइव एंड वेरियस कोवेरियस मैट्रिक्स जिसको यहाँ पे लेट हमने किया हुआ है सिग्मा सिग्मा का वह और यहाँ उसको मीन का ना तो सिग्मा सिग्मा कैसे बनेगा विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स मैट्रिक्स लेनी है हमें रो वाइज वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टू अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में कि हमने कैसे रो वाइज एंटर करना है डेटा देन एन रो एन रो नंबर ऑफ रोज कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे पास टू नंबर ऑफ रोज जनरेट होंगे तो दिस इज प्रोसीजर जहाँ पे हम अपना डेटा जनरेट कर रहे हैं अब मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रही हूँ डेटा हाईलाइट सेट डॉट सीट के साथ हम इसे हाईलाइट देन रन रन होगी कमांड हमारे यहाँ पे देखो आपके पास कमांड रन हो रही है अब जस्ट मैं डेटा को रन कर रही हूं हाईलाइट देन रन नाउ लुक एट दिस हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट हो गए हैं ठीक है ना ये हंड्रेड हंड्रेड रोज है हमारे पास हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट हो गए हैं विद मीन वैक्टर टू एंड फाइव एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टू ये आपके पास हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट हो गए यूजिंग दी मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब देन उसने कहा था ये जो आपके पास हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट होंगे उसके हमें मीन फाइंड करने है और उसके हमें वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक फाइंड करनी है तो देन दमांड इज दी ये दीन अंडरस्कोर वैक्टर ये मीन वैक्टर जनरेट कर रहे हैं हम ये आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे मैंने इसको लेट किया मीन अंडरस्कोर वैक्टर आप यहां पे कोई भी नेम रख सकते हो दिस इज दी लेबल जो हम लेबल दे रहे हैं एंड इक्वल्स टू कॉल मीन्स कॉलम वाइज मीन चाहिए मुझे कॉल मीन्स किसका लेगा इस डेटा का जहां हमने हंड्रेड रेंडम नंबर जनरेट किए हैं उस डेटा का कॉलम वाइज मुझे मीन फाइंड करते हैं सो दिस इज मीन वैक्टर कमांड सैंपल मीन वैक्टर देन हाईलाइट एंड रन यह आपके पास मीन आ गया कॉलम वाइज मीन जहरा आपके पास टू मीन ही आएंगे ना क्योंकि टू कॉलम्स हैं टू टू कॉलम्स वाइज आपके पास मीन आ गए देन अब मुझे वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स चाहिए उसके लिए तो वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स की मैंने नोटेशन रखी है सीओवी कोवेरियंस अंडर स्कोर मेट्रिक्स को वेरियंस मेट्रिक्स मुझे निकाल के दे किस की कोवेरियंस डेटा यानी को वेरियंस फाइंड करके दे इस डेटा की पहले मैंने उसका मीन लिया था ना कॉलम वाइज मीन फाइंड कर दे अब मुझे वो को वेरियंस निकाल के दे इस पर्टिकुलर डेटा का जहां हमने सैम्पल्स जनरेट किए हाईलाइट देन रन ओके देन हाईलाइट लाइट कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड देन रन नाउ लुक एट दिस दिस इज टू क्रॉस टू वेरियंस को वेरियंस सैंपल डेटा हमारे पास जनरेट हो गया बिकॉज सैंपल डेटा हमने जनरेट किया था इस पर्टिकुलर मीन एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक से तो उस सैंपल डेटा का उसने हमें मीन निकाल के दिए और इसी सैंपल डेटा का उसने हमें वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स फाइंड करके दिए और अगर मुझे इसको प्रिंट करना है यानी आपके पास मैं हाईलाइट पर्टिकुलर को हाईलाइट कर रही हूँ देन रन कर रही हूँ वो नहीं करना तो मैं यहाँ पे कमांड दे देती हूँ प्रिंट मीन वैक्टर एंड प्रिंट कोवेरियंस मैट्रिक्स क्योंकि ये आपके पास है ना जहाँ हमने लेट किया हुआ वेरिएबल नेम मैंने अभी क्या किया था इसको हाईलाइट करके रन किया था अगर मैं हाईलाइट करके रन ना करूं तो मैं कमांड दे सकती हूँ प्रिंट प्रिंट कर दे मुझे मीन वैक्टर और प्रिंट कर दे मुझे ये कोवेरियंस मैट्रिक्स ना हाई देन रन सेम वही आंसर है बट वो प्रिंट के साथ हमने दिया है और वो प्रिंट क्या कर रहा है इसको बजाय मैं हाई करके रन करूँ हमारे पास कमांड है प्रिंट की तो दिस इज एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया हंड्रेड रैंडम नंबर जनरेट किए पर्टिकुलर मीन वैक्टर एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स फॉर पी इक्वल्स टू टू दिस इज द एग्जाम्पल नंबर टू सेम हमने यही काम किया है जनरेट हंड्रेड सैंपल फ्रॉम मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइन दैंपल मीन वैक्टर एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स अब क्या डिफरेंस है प्रीवियस और इस एग्जाम्पल में बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन चेंज है डायमेंशन क्या थी वहां पे टू क्रॉस टू थ्री यहां पे हमारे पास डायमेंशन थ्री क्रॉस थ्री है यूजिंग द बिलो मीन वैक्टर एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स अब मीन वैक्टर बेसिकली हमारे पास क्या है आपके पास जीरो 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 वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव रो वाइज हमने डेटा एंटर करना है सिमिलरली जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया बट डिफरेंस कहाँ है दिस इज दी पी इक्वल्स टू थ्री के लिए हम यूज कर रहे हैं नाउ दिस इज द नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने क्या किया एम यू सेट जो हमें गिवन था मेन वैक्टर एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक हमने सबसे पहले वो वैल्यूज यहाँ लिख लिया दिस इज एम यू स्टैंड फॉर म्यू म्यू इक्वल्स टू सी और हमें क्या मीन वैक्टर गिवन था जीरो 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 हमने लिख लिया देन वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक सिगमा अब सिगमा कैसे जनरेट होगी हमने उसका मेट्रिक बनाना है कमांड यूज की मेट्रिक सी कंबाइन रो वाइज हमने डेटा एंटर कर लिया वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव देन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव नाइन कितनी रोज जनरेट होनी है थ्री दिस इज दो नंबर ऑफ रोज कितनी जनरेट करनी है हमने थ्री क्योंकि हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री का डेटा है अगेन जनरेट हंड्रेड रेंडम सैम्पल फ्रॉम दी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हंड्रेड रेंडम सैम्पल्स हमने जनरेट करने यूजिंग दी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना लुक दिस इज द लाइब्रेरी मल्टीवेरिएट नॉर्मल स्टूडेंट हम एक दफ़ा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिए। मैं इसको नंबर साइन के साथ क्लोज कर रही हूँ कि हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है अगर आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की तो देन आप इसको नंबर साइन नहीं करो इसे आपको फिर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी सेट डॉट सीट सेट डॉट सीट क्या करेगा आपके पास जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो बेसिकली वो सेव हो रहा है एक ही दफा जनरेट हो गया अगर मैं सेट डॉट सीट नहीं लेती तो क्या होगा हंड्रेड सैंपल एक दफ़ा जनरेट किए देन उसका मीन वेनियस को वेनियस मेट्रिक्स निकाली है नेक्स्ट हंड्रेड करूंगी तो वो प्रीवियस से डिफरेंट होगी क्योंकि रेंडम सैम्पल्स जनरेट हो रहे हैं तो सेट डॉट सीट क्या करेगा उसको फिक्स कर देगा नौ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था डेटा कहा था यहाँ हमने उसको कह दिया सैंपल्स आप डेटा भी कह सकते हो क्योंकि ये तो अकॉर्डिंग है ना आपने कोई भी उसका नाम दे दिस इज दैंपल इक्वल्स टू कैसे सैंपल जनरेट करने हमने प्रीवियस जैसे हमने सैंपल जनरेट किए थे रेंडम आर स्टैंड फॉर रेंडम एम वी स्टैंड फॉर मल्टीवेरिएट एन ओ आर एम नॉर्मल रेंडम मल्टीवेरिएट नॉर्मल सैंपल हमने हंड्रेड का जनरेट किया मीन कहा से आएगा मीन हमने पहले डिफाइन कर दिया दिस इज द म्यू मीन विच इज इक्वल्स टू म्यू म्यू हमने डिफाइन किया कॉमा सिग्मा सिग्मा आपके पास कहाँ से आएगा सिग्मा भी हमने डिफाइन किया तो मीन और सिग्मा हमने डिफाइन कर दिया प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या किया था मीन और सिग्मा हमने उधर रिटर्न वैल्यूज दी थी वैल्यूज यहाँ पे दी थी अब हमने उसको लेट कर लिया है यानी वेरिएबल नेम हमने पहले ही दे दिए अब जस्ट हमने उधर उसका नेम दिया वैल्यूज नहीं दी जस्ट हमने उसका नेम दिया अब हंड्रेड सैंपल्स जनरेट हो गए है. अब उन हंड्रेड सैंपल का क्या करना है हमने उसका हमने मीन निकालना है देन वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स है पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखो पर्टिकुलर जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें टू क्रॉस टू का हमारे पास वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स जनरेट हुआ और टू मीन्स वैक्टर जनरेट हुए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में आपको आइडिया है कि थ्री क्रॉस थ्री की वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स जनरेट होगी और मीन वैक्टर भी हमारे पास थ्री जनरेट होंगे ओके लेट स्टार्ट अब मैं इसको टोटली हाईलाइट देन रन रन हो गया क्योंकि आप देखो सारी हमारे पास वैल्यूज रन हो रही हैं देन हम सबसे पहले मैं आपको सैम्पल्स चेक कराती हूँ कि सैंपल्स हमारे पास साइज थ्री के रन हो गए है। yes. हैं यस हंड्रेड सैंपल्स जनरेट हो गए हैं फॉर थ्री डायमेंशंस ठीक है देन उनके मीन वैक्टर मीन yes, आ आगे कॉलम वाइस उसका मीन आ गया कॉल ना कॉलम हमने मीन जनरेट कर लिया आपके पास वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक जनरेट हो रहे हैं सो स्टूडेंट दिस इजेंट एग्जाम्पल हमने क्या किया अपना डेटा जनरेट किया हंड्रेड सैंपल जनरेट किए तो अभी छोटी सी एग्जाम्पल थी हमने हंड्रेड सैंपल जनरेट किया टेन थाउजेंड रेंडम सैंपल जनरेट कर सकते हो रेंडम सैम्पल जनरेट करके हमने उसके मीन वैक्टर सैम्पल मीन वैक्टर एंड सैम्पल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जनरेट किया है यानी कि आप इजीली डेटा जनरेट कर सकते हो आर के साथ आर आपको फ्रेंडली यूजर है आपको इजीली रेंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं देन उनकी मीन एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिस इज द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन